माय चैनल स्वाति महेंद्रू एंड आज मैं आपका वेलकम कर रही हूँ शिमला नहीं दिल्ली नहीं चंडीगढ़ से। क्यों? इस बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है अच्छे से। फिलहाल अभी हम बाहर जा रहे हैं। अब हम जब चंडीगढ़ रुके गए हैं, क्यों हुआ है क्या, ये आप इस देखने के लिए पहला वाला ब्लॉग देख लेना। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत घूम लिया जाए चंडीगढ़। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, तो चलिए मेरे साथ आप चलते हैं चंडीगढ़ घूमने। जा रहे थे हम रॉक गार्डन पर, हमें भूख लग रही है और देखिए कितना ट्रैफिक है। तो अभी हम बीच में उतर गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं एक फूड जॉइंट, देखा है हमने, वहाँ खाना खाने, उसके बाद जाएंगे रॉक गार्डन। तो लेटेस्ट अपडेट, हम जहाँ खाना खाने के लिए मैप से जा रहे थे वो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दिखा रहा था और हम वहाँ पहुँचे, लोकेशन ख़त्म हो गई और वहाँ पूरा रेजिडेंशियल एरिया था। फिर फाइनली हमें एक ऑटो वाला मिला, ऑटो वाले ने हमें कोई अलग जगह छोड़ा है, काफ़ी दूर है, जो वहाँ आके याद आया कि हिमांशु अपना वॉलेट लाना भूल गए हैं। मैं तो अपना बैग नहीं लाई बिकॉज मैंने आपको दिखाया था कि उसमें जिप ख़राब हो गई है। तो अभी वो एटीएम में है, एटीएम से वो बाई चांस उनके बैग में, शोल्डर बैग में एटीएम पड़ा था, तो वो एटीएम में है। तो मैंने सोचा आई थी अपडेट ही कर दें, उसके बाद अब हम जाएंगे खाना खाने, फिर दोबारा ऑटो करके हम जाएंगे आई थिंक रॉक गार्डन, अगर टाइम बचा दो, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है ऑलरेडी। मतलब सारे लॉल हमारे साथ ही होने हैं, गूगल मैप कैसे गलत हो सकता है। ये थी वो मार्केट जहाँ पे हम आए थे खाने के लिए, एंड चंडीगढ़ का फूड वाह, मतलब दिल्ली के बाद ऐसी कोई सिटी मुझे दिखी है कि जहाँ से भी जो भी छोटा मोटा भी आप लो, ये तो खैर बहुत अच्छी मार्केट थी प्रॉपर खाने के लिए, बट कहीं से भी लो बहुत टेस्टी खाना था यहाँ पे। राजमा चावल हम खा चुके हैं और ये आ गई हमारी चूर चूर नान, एक्साइटेड। मैंगो लस्सी, बढ़िया है। और ये मैंगो लस्सी पी के देखना, मैंगो लस्सी भी अच्छी है यार, नाइस। फाइनली रॉक गार्डन आ गए हैं हम। ये यहाँ पे प्राइस है मिनिमम सा, वहाँ से आप टिकट्स ले सकते हैं और ये एंट्रेंस है। अंदर आने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगता है। शुरू में तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी देख अरे करके। ऐसे कैसे जाएंगे इतने पतले से रास्ते से, और अगर फिर कोई मोटा इंसान आ जाए। इसके बाद ना हम चलते ही जा रहे थे पार्क के नाम से, मुझे लगा हमें थोड़ा सा फ्रेश एयर मिलेगी, हम बैठेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको म्यूजियम की तरह चलते रहना है, एंड मे बी मैं थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, मुझे बहुत कंजेस्टेड लग रहा था, सफोकेटिंग लग रहा था। आप देख रहे हैं कितनी पतली सी गली है जिसमें चलते जाना है, और हम ऑलरेडी 3 दिन का ट्रैवल करके थके हुए थे। शिमला में भी हमने अच्छी खासी वॉक करी थी, तो यहाँ पे चलना तो मुझे बड़ा औखा सा लग रहा था। थोड़ा बहुत ठीक था, बट हमने आई थिंक बाई चांस, सैटरडे संडे पड़ रहा है आज, तो इसी वजह से और भी ज़्यादा क्राउड था। इसके बाद यहाँ तक तो फिर ठीक है, अब आप इसके आगे आइए और मैं आपको दिखाती हूँ सडनली इधर से निकलने के बाद कितना ओपन एरिया आएगा। ये एरिया भी मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बट अगेन फोटोज तक क्लिक नहीं हो पा रहे थे ज़्यादा, ना ही हम ज़्यादा जगह जा पा रहे थे यहाँ पे। तो मैंने और हिमांशु ने ट्राई भी किया एक दो बार ही जाने का, बट बहुत ज़्यादा क्राउड था इसलिए नहीं आए। तो ये आवाज़ ही सुन के मैं इंजॉय कर रही थी एक्चुअली, पानी के गिरने की आवाज़ ही बहुत प्यारी होती है, या इवन जो वेव्स की आवाज़ होती है वो भी, पानी की हर फॉर्म में आवाज़ बहुत ही सुंदर होती है। और ये देखिए फिर से कितना कंजेस्टेड एरिया आ गया है, वेदर दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, एंड ये ग्रीनरी परफेक्ट कॉम्बिनेशन है एंड काफ़ी सही लग रहा है। बट मैं आपको सही बता रही हूँ कि बहुत ही वेदर ह्यूमिडिटी वाला था, आप देख रहे होंगे हिमांशु मेरा दोनों का ही चेहरा उतरा हुआ है। एंड फाइनली हमें कोई एक ऐसी एरिया मिला जहाँ पे थोड़ा सा भीड़ कम थी, तो मैं एक्सप्लोर करने लगी, यहाँ मुझे मजा आ रहा था।
बिकॉज देखो जब भीड़ होती है ना तो ना एक तरह से लाइन बन जाती है रॉक गार्डन में, जो आपको बस लाइन को फॉलो करते जाना है करते जाना है। एंड काफी बड़ा है रॉक गार्डन, छोटा नहीं है, काफी सारा एरिया तो हमने स्किप ही कर दिया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोटो शूट वगैरह कराने की कोशिश कर रही थी। एंड यहाँ पे आप मेरी शक्ल देख लीजिए। टू मच टू मच, थक गई मैं चलते चलते। आई थिंक ये पिकॉक है, आई थिंक ये इतने सारे बंदर है, मुझे समझ नहीं आ रहा था बिकॉज बहुत थक गई हूँ। एंड शायद डरावने बच्चे, तात्या बच्चू डरावने बच्चे। ये क्या, ये हिरन है, हाथी, लेपर्ड, आई थिंक सम एनिमल, आई एम नॉट श्योर। और ये डरावने डरावने बच्चे हैं, देख के डर लग रहा है। देखिए अपनी इंटरप्रिटेशन खुद बनाओ कि कौन क्या है। अरे कितने सारे हैं भाई, लो जी, आई डोंट थिंक ऐसे ऊपर जाना अलाउड है, इसलिए ग्लास वॉल लगे हुए हैं, बट इंडिया ऐसा होता है। हटाया होगा किसी ने, बट इतनी सारी एक जैसी आर्ट, एक आर्ट जब होता है जब वो एक पीस होता है, वरना वो रॉक गार्डन कहलाता है। अब आप लोग खुद बताओ, ये तो ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी आर्ट है, चूड़ी से बनी हुई, बट ये है क्या, आर्ट से क्या बनाया है यार, जबरदस्ती देखना। ये देखो इतने बड़े बड़े आदमी लगा दिए, खड़े कर दिए लकड़ियों पे, हो गई आर्ट। ये देखना कितना फनी है, किसी ने लिख दिया नो, अपना सिर बचाओ नो। फाइनली बाहर निकल गए, नो ऑफेंस बट पता नहीं, इतना अच्छे वेदर में भी वहाँ इतनी ह्यूमिडिटी लग रही थी ना, इतना क्राउड था, मे बी बिकॉज ऑफ सैटरडे संडे, बट ठीक था, पर मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। अभी हम निकल गए हैं रॉक गार्डन से एंड जा रहे हैं सुखना लेक। बाहर वेदर ठीक लग रहा है पर वो रॉक गार्डन के अंदर तो मुझे बहुत ह्यूमिडिटी लग रही है। चंडीगढ़ की सड़कें जितनी ही खुली है ना उतना ही वहाँ के एरियाज जो है क्राउडेड है। सो हम सुखना लेक गए थे बोटिंग के लिए, बोटिंग आई डोंट नो कुछ लोग तो कर रहे थे, फिर भी उन्होंने हमें कहा कि बंद हो चुकी है। एंड हिमांशु मुझे कह रहे ये क्या बात हुई, पागल हो क्या। और एक्चुअली क्या है, जो वहाँ का एरिया है ना वो ब्लॉक है, वहाँ पे ऑटोज कैब्स वगैरह ज़्यादा नहीं आने देते, तो हमें बहुत आगे तक चल के आना पड़ा, जिस वजह से मैं तो बहुत थक गई हूँ ऑलरेडी, 3 दिन की थकावट तो थी। अब वैसे तो हम सोच रहे थे कि मार्केट चले जाते हैं, थोड़ा सा टाइम है, बट अभी हम डायरेक्ट होटल ही जा रहे हैं बिकॉज मार्केट जाने का ना तो हिम्मत बची है ना ही टाइम बचा है, तो होटल जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे बिकॉज फिर पैकिंग करके निकलना है फिर से। इतना ज्यादा आगे चलने के बाद कैसे तैसे हमारी कैब बुक हुई थी, बट वो कैब वाले भैया पता नहीं कहाँ घूमे जा रहे थे, तो हमने फाइनली डिसाइड किया बहुत थक रहे हैं ऑटो लेते हैं और जाते हैं। और होटल आने के बाद हमने थोड़ा सा खाया, बहुत टेस्टी फूड था, बट अब बज रहे हैं रात के 12:30, हमारी बस का टाइमिंग हो गया है तो अब हम निकल गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, चंडीगढ़ जाना सबको बनता है, बहुत खूबसूरत सिटी है, एंड हो सकता है हम फिर से जल्दी प्लान करें चंडीगढ़ जाने का, ये तो अनप्लान था तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, काफ़ी थके हुए थे। चंडीगढ़ बहुत ही खूबसूरत सिटी है, बट आप अकॉर्डिंगली प्लान करके जाइए, बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए। एंड फिर मैं रात के 1:30 बजे खा रही हूँ आइसक्रीम, आइसक्रीम खाने के साथ ही हमारी बस आ गई है। बस के अंदर काफ़ी स्मूथ जर्नी थी हमारी, क्योंकि फुल स्लीपर बस हमने कराई थी। उसके बाद हम कश्मीरी गेट पे उतरे थे इस बस से, एंड कश्मीरी गेट से फिर हमने घर जाने के लिए ऑटो कर लिया था, बट सच में बहुत ज़्यादा थक रहे हैं बिकॉज अर्ली मॉर्निंग थी, आई थिंक 6:30 हो रहे हैं इस टाइम पे। एंड अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, ऑलमोस्ट घर पहुंच गए हैं। इसी के साथ हमारा ये ट्रैवलिंग व्लॉग्स खत्म होते हैं, आई होप आपको ये सब व्लॉग्स अच्छे लगे हों, अगर लगे हों तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।